आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छे ढंग से काम पहले से ही प्रारंभ किया है और जो भी जरूरी काम है उस काम को बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है और अन्य सभी विभागों का अधिकारियों का सबका सहयोग उसमें मिलता है, पुलिस कर्मियों का सब लोगों का सहयोग मिलता है और ये खुशी की बात है और ये कोई साधारण बात नहीं। जो शुरू किया गया था कि गांव में आरटीपीसीआर की जांच हो और उसके लिए एक टेस्टिंग वैन की शुरुआत करा दी गई थी और जैसा आप बता ही रहे कि 1000 टेस्ट एक दिन में उस टेस्टिंग वैन के माध्यम से हो रहा है और उसी समय बात हुई थी कि 4 और आने वाला है और उसी समय हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोगों को चाहिए इसको और बढ़ाना ताकि अधिक से अधिक हम लोग इसका टेस्टिंग कर सकें, आरटीपीसीआर का टेस्ट करा सकें। तो अब 4 और आगे और आपने कहा कुछ ही दिन में 5 और आने वाला है, इससे काफ़ी सुविधा होगी और ग्रामीण अंचल में शुरू हुआ, ये अच्छी बात है। और जो अब टीका एक्सप्रेस की बात है, जो टीका एक्सप्रेस गाँव में इसके माध्यम से लोगों का टीकाकरण किया जा रहा था लेकिन अब शहरी इलाके में भी बहुत ज़रूरी था। अब सिर्फ यही नहीं है कि कुछ जगह जो निर्धारित हैं वहीं पर सब लोग जा कर के अपना टीकाकरण करा लेंगे, तो इसको देखते हुए लगा कि सब लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं उस तरह से, इसलिए ये जो निर्णय लिया गया ये बहुत अच्छा है कि टीका एक्सप्रेस के माध्यम से जगह जगह जा कर के और जो लोग भी टीका लेने से अभी तक वंचित हैं उन सबों का टीकाकरण कराया जाएगा और एक दिन में 200 जो आप लाभार्थी इसका लाभ टीका एक्सप्रेस से करवाएंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसके लिए जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण अंचल में तो किया ही जा रहा है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं, 718 टीका एक्सप्रेस है और आज से आप 121 टीका एक्सप्रेस की ओर शुरुआत करा रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, ये बहुत अच्छा होगा। और इसके चलते जो हम लोग चाहते हैं कि टीकाकरण हो और हम लोगों का तो उद्देश्य है, केंद्र सरकार का गाइडलाइन है और केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रबंध किया है और प्रबंध किया जा रहा है, तो जो अब 45 और उससे ऊपर वाले जितने हैं उसका टीकाकरण तो इस रूप से हम लोग कर ही रहे हैं, पहले से भी कर रहे हैं और जो 18 से लेकर के 45 के नीचे तक का जो टीकाकरण है वह भी हम लोगों के यहाँ शुरू हुआ। अब बीच बीच में उसकी टीका की कुछ कमी होती है उसके चलते भले ही हो लेकिन फ्री और तेजी से बढ़ रहा है और जैसा कि केंद्र सरकार से आश्वासन मिल गया है कि अच्छी संख्या में सब राज्यों में जाएगा, हम लोगों को भी मिलेगा, तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि हम लोग इस साल में तो निश्चित रूप से जितना टीकाकरण कराना है हम लोग सबका करा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इससे लोगों की सुरक्षा होगी, लोग का संरक्षण होगा और ये काम जो आज आपने फिर शुरुआत कर दिया है टीका एक्सप्रेस का, ये सबसे खुशी की बात है, ये मामूली बात नहीं है। जो घर में भी बैठे हुए बहुत लोगों को ये नहीं रहता है कि हम जा करके अपना करा लें, अब वहीं पर रहेंगे वहीं पर उनका टीकाकरण हो जाएगा, उनके बारे में पूरा रिपोर्ट भी बन जाता है किनका टीकाकरण हुआ और जब पहला डोज लेंगे और फिर जब दूसरा डोज लेने की बात होगी तो उस समय भी सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे कि जिनको लेना है अगली बार जो लेना है उसके लिए समय निर्धारित है उस समय के बाद किया जाएगा, तो वह भी उनका दोबारा भी करा दिया जाए। तो इस तरह से जो पूरी कोशिश हो रही है और बिहार में सब लोग मिल करके और जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप सब लोग इतना बढ़िया ढंग से एक एक चीज़ को कर रहे हैं, इलाज के लिए भी सारा प्रबंध किया जा रहा है, कौन सा काम है जो नहीं किया जा रहा, जब जब जो समस्या आई उस समस्या के हल के लिए समाधान के लिए पूरे तौर पर काम होता है और नियमित तौर पर एक एक चीज़ के बारे में हर जिला स्तर पर और नीचे के स्तर पर सब लोगों से निरंतर संपर्क में रखा जाता है। और इस बीच में जो हम लोगों के प्रभारी मंत्री थे जिला वाइज सब जगह MLA MLC MP सब लोगों से मीटिंग करके भी लोगों का फीडबैक लिया गया कि भाई उन लोगों को क्या है और उस तरह से हर जिले में क्या स्थिति है उसके बारे में प्रतिदिन जानकारी ली जाती है और उसके हिसाब से जो भी जरूरी कदम है वो उठाया जाता है। और अब तो जितना बढ़ गया था दूसरा चरण में अब तो धीरे धीरे घट रहा है और हम लोगों को पूरी संभावना है
कि इससे छुटकारा जरूर मिलेगा, और कोई नहीं जानता है किसके बाद आगे कुछ होना है, तो उसके लिए हम पूरी तैयारी हुई। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ दिए हैं, निश्चिंत हैं। केंद्र सरकार भी इसके लिए हर प्रकार से कर रही है कोशिश, काम कर रही है, अपना गाइडलाइन भी दे रही है, लोगों को सहयोग भी दे रही है, और राज्य में हम लोग सब लोग मिल करके एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, ताकि किसी तरह से हम लोगों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं आए, कठिनाई नहीं हो, और हर प्रकार की सुविधाएँ भी हम लोग लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन आज ये बहुत अच्छी बात है कि टीका एक्सप्रेस की आप आज शहरी इलाकों के लिए शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और जो टेस्टिंग वैन थे जो RT-PCR टेस्ट के लिए ही चला था, उसका भी और चल करके और भी देहाती इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट होगा। और हम लोग तो शुरू से मान करके चल रहे हैं कि भले ही घटते जा रहे हैं लोग, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से टेस्टिंग का काम भी करते रहेंगे और बढ़ाएंगे, और जो टीकाकरण है वह भी पूरे तौर पर हम लोग काम करें। इसलिए इस काम के लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ, और सब लोगों को इसका लाभ होगा। और हम सब लोगों का यही से अपील करेंगे कि भाई सारा काम किया जा रहा है, एक भी चीज़ में कोई कोताही नहीं बरती जा रही, लेकिन किसी तरह का भी कोई सुझाव आता है उस पर हम सब लोग गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं और गौर करके जो भी संभव है कदम उठाते हैं। तो आज जो भी काम आप शुरू किए हैं ये बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं इसके लिए आपको सिर्फ धन्यवाद नहीं, विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूँ, और अब उसकी शुरुआत करेंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।